स्वामी भक्त नेवला और किसान की पत्नी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उनके घर में एक नवजात बेटा पैदा हुआ था। किसान की पत्नी अपने बेटे का बहुत ध्यान रखती थी, इसलिए किसान की पत्नी को घर में एक पालतू पशु भी चाहिए था जो उसके बेटे के साथ खेल सके। और जब किसान और उसकी पत्नी किसी काम के वजह से घर के बाहर जाएं, तब वह बच्चे का ध्यान भी रख सके। किसान और उसकी पत्नी ने नेवला पालने का फैसला किया। नेवला बहुत ही भोला भाला था, जिसके कारण कुछ ही दिनों में उसने किसान और छोटे बच्चे का दिल जीत लिया। एक दिन किसान और उसकी पत्नी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। किसान की पत्नी ने जाते समय नेवले को अपने बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी और वह बाहर निकल गए। कुछ देर बाद जब किसान और उसकी पत्नी वापस आए तो उन्होंने देखा कि नेवले के मुंह पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। यह दृश्य देख किसान की पत्नी बहुत घबरा गई। उसने सोचा कि उसके बेटे को नेवले ने मार दिया है। उसने फौरन भारी लकड़ी हाथ में ली और नेवले को दे मारा। नेवला जख्मी होकर जमीन पर जा गिरा। किसान की पत्नी अपने बेटे को देखने जैसे ही घर घुसी, उसे एक मरा हुआ सांप जमीन पर पड़ा मिला, जबकि उसका बेटा चारपाई पर आराम से सोया हुआ था। अब उसे यह बात समझ में आई कि नेवले ने ही तो सांप से लड़कर उसके बेटे की जान बचाई थी। किसान की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ती हुई नेवले के पास पहुंची, परंतु तब तक बेचारा नेवला अपनी जान गवा बैठा था। सारांश: बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें।